नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्र। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे किसानों ने कैंडल मार्च निकाला है। किसानों ने निकाला कैंडल मार्च, शहीद किसानों की याद में निकाला मार्च। सहारनपुर से बड़ी खबर, भाजपा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। घंटाघर चौक पर निकाला कैंडल मार्च। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, किसानों ने निकाला कैंडल मार्च, शहीद किसानों की याद में निकाला मार्च। भाजपा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। घंटाघर चौक पर निकाला कैंडल मार्च। किसानों ने निकाला कैंडल मार्च। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, शहीद किसानों की याद में निकाला मार्च। भाजपा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बड़ी खबर सामने आ रही है, घंटाघर चौक पर निकाला कैंडल मार्च। किसानों ने निकाला कैंडल मार्च। सहारनपुर से खबर सामने आ रही है, जहां शहीद किसानों की याद में निकाला गया मार्च। भाजपा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। यहां तीन नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को वापस करने की घोषणा कर दी है। उसके बाद भी अब ये प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि किसानों के और जो कुछ मांगे हैं उसको लेकर अभी भी कुछ किसानों में मांगे देखने को मिल रही है, और प्रदर्शन न खत्म करने की बात भी सामने आई है। वहीं सहारनपुर से ये खबर सामने आ रही है, जो घंटाघर चौक पर ये प्रदर्शन निकाला गया है, शहीद किसानों की याद में ये प्रदर्शन निकाला गया है। शराब माफिया पर कसा शिकंजा, आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एतमादौला पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने प्रवीण शिवहरे के खिलाफ की कार्रवाई। बड़ी खबर सामने आ रही है, कोर्ट में पेश होने का नोटिस किया चस्पा। पेश नहीं होने पर होगी घर की कुर्की। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराब माफिया पर कसा शिकंजा। एतमादौला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रवीण शिवहरे के खिलाफ की कार्रवाई, कोर्ट में पेश होने की नोटिस चस्पा की। पेश नहीं होने पर होगी घर की कुर्की। शराब माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एतमादुल्ला पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और शराब तस्कर को पकड़ा है। पुलिस ने प्रवीण शिवहरे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मुख्य आरोपी है। कोर्ट में पेश होने का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, साथ ही पेश न होने पर कुर्क कर दिया जाएगा अपराधी का घर। शराब माफिया पर शिकंजा कसा गया है, आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराब माफिया पर लगातार पुलिस अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने प्रवीण शिवहरे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जो मुख्य आरोपी है। कोर्ट में पेश होने का नोटिस भी चस्पा किया गया है, और पेश न होने पर घर की कुर्की की जाएगी। शराब माफिया पर कसा शिकंजा, बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं आगरा से। ममता, क्या है पूरा मामला, किस तरह से पकड़ा गया इन शराब माफिया को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो शराब माफिया है, प्रवीण, इसके खिलाफ लगातार जो न्यायालय है वहां से इसको लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन ये नोटिस मिलने के बावजूद भी ये मौके पर न्यायालय में पेश नहीं हुआ था। उसके बाद में थाना एडमंडला जो पुलिस है उसके द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है कि जो न्यायालय का नोटिस है थाने पर आया, तो नोटिस चस्पा करके इसके मकान को कुर्क करने के लिए मुनादी कराई गई है। जी, तो जिस तरह से शराब माफिया पर लगातार आगरा पुलिस शिकंजा कसती नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस पे? आगरा पुलिस के द्वारा शराब माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कहीं शराब माफिया अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़े या छोटे स्तर पर इस तरह के जो कारनामे हैं शराब माफियाओं के, जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आगरा पुलिस अपनी पूरी तरह से पूरे प्रयास में है कि इन पर शिकंजा पूरी तरह कस दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ आगरा से संवाददाता ममता जुड़ी थी। नोएडा जाएंगे पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। 25 नवंबर को आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी, जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। नोएडा जाएंगे पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम।
25 नवंबर को आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। नोएडा जाएंगे पीएम मोदी, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि 25 नवंबर को आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अपने कार्यकाल और भाजपा के जो द्वारा विकास कार्य किए गए हैं उसको गिनाते हुए भी नजर आ सकते हैं प्रधानमंत्री। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला रायबरेली से, बड़ी खबर सामने आ रही है, अज्ञात वाहन और बाइक में टक्कर, बाइक सवार दो युवकों को मारी टक्कर, दोनों युवकों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र की घटना, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला रायबरेली से, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। ओम शंकर, जिस तरह से तेज रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे, किसकी गलती थी इस हादसे में? देखिए, ये प्रतापगढ़ के बताए जा रहे हैं मृतक, और ये ऊंचाहार आ रहे थे कि अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी, और टक्कर मारने के बाद वो अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया है। ग्रामीणों की सूचना पर जब एम्बुलेंस को बुलाया गया, जब मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, तो मौके पर ही उन दोनों लड़कों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी, तो इस एक्सीडेंट के बाद किस तरह से पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढेगी जिसकी वजह से ये घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या कर रही है पुलिस? उस अज्ञात वाहन का ये 11:40 के आसपास की घटना है, सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं, उस आधार पर उस अज्ञात वाहन की तलाश करी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, अज्ञात वाहन और बाइक में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारी गई जिसमें उनकी मौत हो गई। मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है दोनों युवकों की। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रही 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है, जिसमें आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में साइबर क्राइम को रोकने, धर्मांतरण, कट्टरवाद, घुसपैठ, जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हिंसा, जेलों के भीतर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हो रहा है, और साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ती नक्सली हिंसा पर भी चर्चा हो रही है। तो आज डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, और सिग्नेचर बिल्डिंग में पीएम मोदी जाएंगे। और आपको बता दें कि 2 दिवसीय ये कार्यक्रम रहा है, जिसमें कल भी शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज इसमें अमित शाह शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, 75वीं ऑल इंडिया डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है, जिसमें आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। साथ ही कॉन्फ्रेंस में साइबर क्राइम को रोकने, धर्मांतरण, कट्टरवाद, घुसपैठ, जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हिंसा, जेलों के भीतर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया जाएगा, और साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ती नक्सली हिंसा पर भी चर्चा हो रही है। और इन सभी मुद्दों पर एक बार फिर आज चर्चा के लिए डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, अमित शाह भी शामिल होंगे, और आईजी और डीजीपी के साथ चर्चा की जाएगी। सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी जो कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो चाहे कट्टरपंथी हो या फिर जो है आतंकवादी उग्रवादियों से जुड़ी हुई कोई भी मामले हो, धर्मांतरण से जुड़ा मामला हो, कट्टरवाद हो या घुसपैठ हो, तमाम मामलों को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे तो इन्हीं मुद्दों पर बात होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
कॉन्फ्रेंस में आज फिर शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से कल संबोधित किया था जनता को और तारीफ की थी हमारे प्रशासन की, तो उसके बाद अब एक बार फिर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जिसमें साइबर क्राइम को रोकने का प्रयास किस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए क्या कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, धर्मांतरण को लेकर भी लगातार नए कानून बनाया गया और इसको और सख्त बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता गौरव श्रीवास्तव। गौरव, क्या कुछ कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए, बीजेपी कॉन्फ्रेंस का लगभग तीसरा और आखिरी दिन रहेगा, इसमें जो आपका नरेंद्र मोदी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, पूरे दिन कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। लगभग सवा नौ से कार्यक्रम शुरू हो चुका है और लगभग शाम को चार बजे तक कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद जो आज शनिवार को चर्चा के दौरान विशेष विषयों पर बात की जाएगी, क्योंकि माना जा सकता है जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सभी राज्यों के डीजीपी को बुला के कॉन्फ्रेंस की गई है, तो कुछ समृद्ध कार्य योजना को लेकर या समृद्ध विशेष कानून को लेकर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई होगी। क्योंकि निश्चित तौर पर माना जा सकता है जिस तरह से सीएए एनआरसी का विरोध भी हुआ था, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर जनता का जो है प्रदर्शन सामने आया था, उसके देखते हुए उसके खास तौर पर इसके अलावा जिस जो इनपुट लगातार आ रहे थे कि हमले के वो तमाम चीजें ऐसी आ रही थी, तो उसको दुरुस्त करने को लेकर सभी राज्यों के डीजीपी की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें लगभग लगभग 68 लोग शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं शिक्षा मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे, वो भी शामिल हुए। तो निश्चित रूप माना जाता है बड़े फैसले इसमें लिए जाएंगे और इसके साथ माना भी ये भी माना जाता है कि आगामी चुनाव को देखते हुए भी जो रणनीति, जो पांच राज्यों में चुनाव है उसको देखे भी रणनीति यहाँ पर बनाई जा सकेगी। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहां पे जाने वाले हैं, किस दौरे पे निकलेंगे प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी का जो अभी आज का जो दौरा है वो लगभग चार बजे का कार्यक्रम रहेगा। उसका माना जा सकता है कि पुलिस मुख्यालय जो कि सेंट्रल बिल्डिंग में है, वहीं उनका भोज भी रहेगा। उसके बाद का दौरे की बात करें तो फिलहाल प्रधानमंत्री का एक दौरा उत्तर प्रदेश फिर है, जो कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा, इसको शिलान्यास करने आएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग जेवर जाएंगे। लगभग 23 तारीख को जेवर जाने का उनका प्रोग्राम है और वहां पर जो तैयारियों का जायजा लेंगे। 25 नवम्बर का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलहाल जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कार्यक्रम है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।